माने रही। मैं आज मैं आप लोगों को एक चिकन जलफ्रेजी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो ये मैंने एक बड़ा चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है, इसको ऐसे क्यूब्स में काट लें आप। और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर ली है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, ग्राउंड पिसा हुआ जीरा, और ये आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। ये मैंने एक अनियन को ऐसे काट लिया है, ये येलो एंड ग्रीन पेपर्स को मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं क्यूब्स में, स्क्वायर में। और ये मैंने एक टमाटर लिया है, उसको भी ऐसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये 3 टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। ये मैंने लेमन जूस लिया है, थोड़ा सा सोया सॉस और सॉल्ट अपने हसबे जायका। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। हमने लहसुन अदरक लिया है 1 स्पून। तो सबसे पहले मैं ये लहसुन अदरक डाल दूंगी चिकन के अंदर 1 टीस्पून, और फिर मैं ये लेमन जूस डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालूंगी 1 टीस्पून, और सॉल्ट डाल दूंगी मैं हसबे जायका आप डालें, मैं ये 1 स्पून डाल रही हूँ। तो बस सबसे पहले हम ये इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। और ये अपने जितने भी ड्राई मसाले हैं ये भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, ये जीरा पाउडर, और ये चिली पाउडर। तो बस इसको हम 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। तो बस हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखते हैं। तो फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये। तो सबसे पहले हम ये ऑयल डालेंगे थोड़ा सा अंदाजे से, 1-2 स्पून बड़े। और जब ये अच्छे तरीके से ऑयल हो जाए तो हमने ये अनियंस और ये शिमला मिर्च इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। तो इसको हम तेज आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो हम अच्छे तरीके से तेज आंच पे फ्राई कर ले। तो ये हमने रेड हमने टमाटर भी शामिल कर दिए अंदर, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बेसिक ये शिमला मिर्च और ये तो हमारे फ्राई हो ही चुके हैं, तो हम ये थोड़े से टमाटरों को भी अपने फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं। जब तो हम फ्राई कर लेते हैं ना तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है जलफ्रेजी में। तो बस ये हम सारे वेजिटेबल्स निकाल लेंगे ऑयल में। जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ये हमारा टाइम हो गया आधा घंटा, तो इसको डाल देंगे ऑयल में और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इस तरह हम अच्छे तरीके से चिकन को भून लेंगे जब तक ये वाइट होता है। तो इसके अंदर हम ये अपने टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप रेडीमेड ले लें टमाटर प्यूरी या पेस्ट, मगर अगर आपके पास नहीं है तो मेरी तरह 3 टमाटरों को ब्लेंड कर दें अच्छे तरीके से। तो बस पे बॉईल आने दें। तो ये देखें चिकन में बॉईल आ गया है ये। बस इसको हम 5 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए स्लो आंच पे रख देंगे ताकि ये टमाटर भी अच्छा मसाला भी इसका हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगी। तो बस मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ये 5-6 मिनट हो गए,
चिकन तो अच्छी तरीके से हो गया होगा, बस हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। तो 2-4 मिनट में मैं ये पानी इसका ड्राई करती हूँ, फिर हम जो हमने वेजिटेबल किए थे बस वो तो एंड में ही डलने हैं, बस ऑलरेडी वो गल चुके हैं। तो ये देखें अच्छे तरीके से भुन गया है और ऑयल भी आ गया है ऊपर, तो क्योंकि हमने टमाटर किए थे तो उसमें पानी ज़्यादा होता है इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। अगर आप टमाटर प्यूरी डालेंगे तो बहुत जल्दी भुन जाएगा क्योंकि इतना पानी नहीं होगा फिर। तो ये देखें ये अच्छे तरीके से भुन गया है मसाला, तो बस ये हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें जो हमने फ्राई की थी। ये तो ऑलरेडी कुक्ड है, हमने फ्राई कर ली थी क्योंकि इनको, तो बस ये देखें कितना अच्छा है इसका टेक्सचर वगैरह आ गया है, बस बिल्कुल ये रेडी है। 1-2 मिनट हल्की आंच पे मैं बस इसको दम दूंगी 1 मिनट और फिर हमारा चिकन जल फ्रेजी रेडी है। तो आप इसको खाएं स्पेगेटी के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरी बेटी तो बहुत शौक से स्पेगेटी के साथ खाती है, तो मैं इसको स्पेगेटी बना देती हूँ साथ ये चिकन जल फ्रेजी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ और नान के साथ या फिर बॉयल्ड राइस या फिर स्पेगेटी। तो ये देखें हमारा चिकन जल फ्रेजी बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया है। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है, ऑलरेडी फ्राई थी वेजिटेबल्स तो बस वेजिटेबल्स डाल के मैंने 1 मिनट रखा है और फिर इसको बंद कर दिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।